हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अमोल मानकर, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक, नागपुर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट केसेस एंड स्किल्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर फ्रॉम यूनिट नंबर 1। दीज आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। Understand about the test cases and their uses, and understand the required skill for the software tester. This is the prerequisite. In the previous lecture, we have learned about the software testing and its objective, and about the failure, error, fault, defect, bug terminology. Now, what is test case? Test case is a well-documented procedure designed to test the functionality of the feature in the system. Means what? कि हम यहाँ पे देख रहे software testing. Software बनने के बाद में हमको उसको अगर test करना है तो उस हम directly test नहीं कर सकते. उसके लिए हमको एक proper planning करना पड़ेगा और उस planning का एक जो part रहेगा वो रहेगा हमारा test case. Test case में हम लिखेंगे number of test cases for the particular फंक्शन, और आफ्टर राइटिंग ऑल द टेस्ट केसेस हम उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे. इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है टेस्ट केस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर. दैट मींस टेस्ट केस इज नॉट नथिंग बट द डॉक्यूमेंट. अब ये टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है. फर्स्ट वन, टेस्ट केस आईडी. देर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वी आर राइट रिटर्न फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. So, हर एक टेस्ट केस को यहाँ पे एक आईडी मिलेगा. तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. ये इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू ईच टेस्ट केस. पर्पस हम शॉर्ट में डिफाइन करेंगे व्हाई द केस इज बीइंग डिजाइन्ड. प्री कंडीशन, अगर हमको वो टेस्ट केस परफॉर्म करने तो प्री कंडीशन क्या होगा. दैट मीन्स अगर हमको किसी बटन को टेस्ट करना है, सॉफ्टवेयर में हमने एक बटन डिजाइन किया हुआ है, उसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो प्री कंडीशन ये होगा कि वो बटन एक्टिव चाहिए होगा. दैट मींस द प्रीरिक्विजिट फॉर द रनिंग इन द सिस्टम. किसी चीज को हमको परफॉर्म करना है तो उसकी कुछ प्री कंडीशन रहेगी जिसको हम प्रीरिक्विजिट भी बोलेंगे, वो वहां पे होना चाहिए. इनपुट, हम अगर टेस्ट केसेस लिख रहे तो उसको एग्जीक्यूट भी करने वाले, तो वहां पे जो हमारे इनपुट्स रहेंगे वो भी हमको वहां पे टेस्ट केस में लिखना पड़ेगा. दैट मींस अनदर पैरामीटर इज इनपुट. आफ्टर गिविंग द इनपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे करेक्ट आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, विच शुड बी प्रोड्यूस व्हेन देयर इज नो फेलियर. ये तब प्रोड्यूस होगा जब हमारा सिस्टम फेलियर नहीं होगा. सो दीज आर द सम पैरामीटर्स. अगेन This is the actual outputs. After giving the input, हम expected output कर रहे हैं, but जरूरी नहीं जो हम expect कर रहे हैं output को वही output हमको यहाँ पे मिलने वाला है. हमको वहाँ पे actual output differ भी कर सकता है. तो इसीलिए हम test case में mention करेंगे actual output. What is the actual output when the code is executed? वो हम वहाँ पे लिखेंगे. And the last one is status. That means if expected and actual result is same, the status is pass, otherwise the status is fail. अगर expected output is equal to the actual output अगर होगा तो हम उस test case के status को बोलेंगे pass, otherwise हम उसको बोलेंगे fail. Now we will see one simple example. This image shows the test cases for the college admission form. These are the parameters. Many companies use the different parameters, but some parameters are same. So यहाँ पे हमको दिख रहा है test case ID. This is TCA1 and TCA2, test case 1, test case 2. These are the objectives. That means name field and phone field. हम नेम फील्ड को यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. नेम फील्ड को अगर टेस्ट करना तो मेरा इनपुट क्या रहेगा, तो एनी नेम लाइक एबीसीडी एक्स वाई जेड. आफ्टर एंटरिंग दिस इनपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे नाम एंटर यहाँ पे करेंगे तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा. दैट मीन्स इट शुड एक्सेप्ट द नेम.
ऐसे नाम अगर हमने एंटर किया तो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट एंड लास्ट वन इज स्टेटस। तो जब हम टेस्ट केसेस बनाएंगे तो हम टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, इनपुट डेटा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक की हम टेस्ट केसेस बनाएंगे। मीन्स फर्स्ट फोर कॉलम को हम नोट डाउन करेंगे और आफ्टर राइटिंग द टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट वन बाय वन, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब हमको मिलेगा एक्चुअल रिजल्ट। और आफ्टर दैट हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट को, बोथ आर सेम, तो हमारा स्टेटस जो रहेगा वो रहेगा उस टेस्ट केस का पास, अदरवाइज अगर ये सेम नहीं है तो उसका स्टेटस रहेगा फेल। बट क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं समझने के लिए, हमारे सब्जेक्ट में हम टेस्ट केस देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। बट जब व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन रियल लाइफ, देन हम जब टेस्ट केसेस बनाते हैं तो हम टेस्ट केसेस बनाते वक्त पहले यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक ही लिखते हैं, और आफ्टर राइटिंग ऑल द टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन टेस्ट केस, और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन टेस्ट केस हम यहाँ पे हमको जनरेट करके देगा वो टेस्ट केस एक रिजल्ट जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट रहेगा, और आफ्टर गेटिंग दैट रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल को एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ में, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो लास्ट में रहेगा हमारा स्टेटस पास। तो सेम थिंग TC1 के लिए और यहाँ TC2 के लिए। सो दिस इज द टेस्ट केस एंड दीज आर द पैरामीटर ऑफ टेस्ट केसेस। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, अगर हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो एक प्रॉपर कंडीशन के प्रॉपर टाइम पे हमको एंटर करना पड़ेगा फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो यहाँ पे देखिए, एंट्री क्राइटेरिया फॉर STLC दैट मीन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेजेस कैन बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक कंडीशन। That means, जब भी हमको एंटर करना फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो हमको यहाँ पे कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑल दोज डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर फेजेस ऑफ STLC शुड बी प्रेजेंट बिफोर एंटरिंग एनी ऑफ द STLC फेज। कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में हमको अगर एंटर करना है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में होना चाहिए। The verification for each phase helps to prevent the defect. At least the defect can be minimized. Verification करना जरूरी है, जो हमको help करेगा to prevent the defect. और prevent भी करेगा और हमको वो help भी करेगा to minimize the defect. मतलब n number of defect आ सकते हैं तो उसको n minus defect भी कर सकते हैं. These are the some points. जब हमको एंट्री अगर करना है तो हमको क्या चीजें हमारे पास में होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास में होना चाहिए। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्लो इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास में होना चाहिए। एंड द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी। जब हमारे पास में ये सारी चीजें होगी तब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे एंट्री क्राइटेरिया। आफ्टर एंट्री क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया फिर रहेगा जिसको हम बोलेंगे एग्जिट क्राइटेरिया। So, STLC phases can be defined as items, document, action, task that must be completed before concluding the current phases and moving on the next phases. Exit criteria set is a set of expectation. This should be met before concluding the STLC phases. For instance, कि अगर हमको software testing रोकना है particular phase की या फिर particular software की, तो हमको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। हमको चेक करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो चुका है या नहीं। दैट मींस ऑल द टेस्ट प्लान हैव बीन रन एंड ऑल द सर्व बग्स आर सॉल्व। सारे के सारे टेस्ट प्लान रन हो चुके हैं और सारे के सारे बग्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ऑल द रिक्वायरमेंट कवरेज हैज बीन अचीव, जो भी रिक्वायरमेंट कवरेज था रिक्वायरमेंट थे वो हमने कवर कर लिए, अचीव कर लिए, वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। टेस्ट केस शुड बी रिटर्न एंड रिव्यू, जो टेस्ट केस हमने लिखे थे वो एग्जीक्यूट कर लिए और उसको रिव्यू कर लिया नहीं, ये सब सारी चीजें हो जाएगी तो हमारा हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोक सकते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट शुड बी रेडी इफ एप्लीकेबल, अगर हम ऑटोमेशन टूल्स यूज कर रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट हमने उसके लिए लिखी थी वो रेडी हो चुके हैं, अगर वहां पे एप्लीकेबल होगी तो।
ये हमको चेक करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीजें हो चुकी होगी तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोक सकते हैं। नाउ द स्किल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टर, एक अच्छे सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास में कुछ स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि आज जो यूजर है उसको फ्लॉलेस एंड फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इसलिए हमको एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हैंडल करना है कस्टमर को। सो दीज आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टर, और एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर ही बना सकता है। सो दीज आर द स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, डोमेन स्किल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, डोमेन नॉलेज, डिजायर टू लर्न, टेक्निकल स्किल, प्लानिंग, थिंक फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, ट्रबल शूटर्स, परफेक्शनिस्ट, टैक्टफुल एंड डिप्लोमेटिक, क्रिएटिव एंड गुड जजमेंट। नाउ वी विल सी वन बाय वन। कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्टवेयर टेस्टर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको कस्टमर से रिक्वायरमेंट निकालनी है और डेवलपर के साथ में टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना है। उसका डोमेन नॉलेज अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टर का डोमेन नॉलेज अगर अच्छा रहा तो वो टेस्टिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। डिजायर टू रन, टेस्टर शुड हैव द ब्रीफ नॉलेज रिगार्डिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उसको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल्स, उसके टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके वो हमारे सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाएगा। प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्टर शुड हैव टू प्लान हाउ टू मेक द टेस्टिंग रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो टेस्ट प्लानिंग होना जरूरी है, तो उसका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये स्किल्स सॉफ्टवेयर टेस्टर में होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर ने सोचना चाहिए एज ए यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर टेस्टर ने सोचना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि टेस्टर इज अ टेक्निकल पर्सन एंड यूजर इज नॉन टेक्निकल पर्सन। ट्रबल शूटर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर आर गुड ट्रबल शूटर, दे फाइंड आउट व्हाई समथिंग डज नॉट वर्क। ट्रबल शूटर होना चाहिए कि ऐसा क्यों, मतलब मींस जो जिस चीज के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो चीज यहाँ पे परफॉर्म क्यों नहीं हो रही है, ये उसको फाइंड आउट करते आना चाहिए। सो अगर ऐसा वो है तो हम उसको बोलेंगे ही इज अ गुड ट्रबल शूटर। रिलेंटलेस, सॉफ्टवेयर टेस्टर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बग्स। गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर कौन होगा जो ट्राई करेगा टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बग्स इन अ सॉफ्टवेयर एंड सॉल्व देम, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। क्रिएटिव, सॉफ्टवेयर टेस्टर जॉब इज टू बी क्रिएटिव एंड इवन ऑफ द वॉल अप्रोचेस टू फाइंड द न्यू बग्स। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ बग्स, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर टेस्टर ने अलग अलग टेक्निक यूज करना चाहिए टू फाइंड द नंबर ऑफ बग्स। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे कि क्रिएटिव माइंड सॉफ्टवेयर टेस्टर का होगा। सॉफ्टवेयर टेस्टर परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू फॉर द परफेक्शन, बट सॉफ्टवेयर टेस्टर को कहना कि ये भी पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। गुड जजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टर को एक गुड जजमेंट भी आना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर नीड टू मेक द डिसीजन अबाउट व्हाट दे विल टेस्ट, व्हाट इनपुट आर यूजिंग, व्हाट टू स्टॉप टेस्टिंग एंड हाउ टू ब्रेक द कोड एंड फाइंड द न्यू बग्स। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर टेस्टर को आना चाहिए। टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक भी हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर में होना चाहिए। दीज आर द डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर। दीज आर द एमएसबीटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द समरी ऑफ लर्निंग, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द टेस्ट केसेस एंड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द गुड टेस्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। थैंक यू।